और परमात्मा को छोड़कर जब माया को पकड़ता है तो फिर वो बंधन में बन जाता है, क्योंकि माया बांधती है और गोविंद छुड़ाते हैं। माया से पार पाना किसी के बस की बात नहीं है। जब तक भगवान थे कारागृह में, जब तक शांति थी, जब तक भगवान थे कारागृह में, जब तक शांति थी, लेकिन जब माया आई उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, सैनिकों की नींद खुल गई। जो सन्नाटा था वो मिट गया, इतनी जोर से रोई सबकी नींद खुल गई। सब दौड़े दौड़े महाराज के पास गए, महाराज बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, आठवां आ गया। कंस ने कहा, क्या बालक की रोने की आवाज आ रही है, मतलब आठवां आ गया, दौड़ो पकड़ो। सब सैनिक भागे, दौड़े चिल्लाए, कंस महाराज आए, ताले खुलवाए और देवकी से कहा, लाओ ये तुम्हारी आठवीं संतान हमें दो। देवकी ने कहा, महाराज मेरे छह बच्चों को तो आपने मार दिया, सातवां मुझे मिला नहीं और ये आठवीं तो कन्या है, इसे भी मारोगे? कंस ने कहा, नहीं मैं इतना बड़ा पापी थोड़ी हूं कि कन्या को मारूंगा। लेकिन सैनिकों ने कंस से कहा, महाराज आप बहुत भोले हो, ये विष्णु की माया हो सकती है, अगर भगवान ने इसलिए कन्या दी है कि इसका इसकी जो संतान होगी वो तुम्हारा काल बने। कंस ने कहा, ठीक, एक बार तो कंस ने छोड़ दिया, लेकिन दोबारा कंस ने देवकी के हाथ में कन्या को छीन ली और धड़ाम से पत्थर पर दे मारी। लेकिन वो तो योग माया थी, वो तो योग माया थी। जैसे ही कंस ने पत्थर पे मारा वो सीधी आकाश को चली गई। और आकाशवाणी कर दी, उस कन्या ने वहां से आकाशवाणी कर दी, अरे कंस मेरे जैसे न जाने तूने कितने अपराधों को मारा है, क्या मिला तुझे? लेकिन तेरे काल ने जन्म ले लिया है। देवी कहां लिया है ये नहीं बताऊंगी, लेकिन तेरे काल ने जन्म ले लिया।